सबसे सटीक और सबसे तेज जमीनी सतह की एकमात्र आवाज YouTube चैनल द ग्राउंड नेटवर्क सब्सक्राइब करें। नमस्कार, द ग्राउंड नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। आज मैं पहुंच चुका हूं जमाल गांव में। जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर के पूरे विश्व में महामारी जो फैली हुई है, भारत सरकार ने जो पहले 21 दिन का लॉकडाउन किया था, लेकिन कल माननीय प्रधानमंत्री ने 30 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया। हम जमाल गांव में हैं और आप ये देख सकते हो किस तरीके से पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं और पुलिस के जवान जो है बड़ी सख्ती से पेश आ रहे हैं। आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है। इस प्रकार पुलिस प्रशासन बड़ी सख्ती से पेश आ रहा है। आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है और ये गाड़ी आई है, इनकी चेकिंग करते हुए पुलिस के अधिकारी, और आने जाने वाले जो भी वाहन हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। तो इससे यह स्पष्ट तौर पे जाहिर है कि पुलिस प्रशासन बड़ी सख्ती से पेश आ रहा है। यहाँ के ड्यूटी मजिस्ट्रेट सज्जन कुमार जी हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से भारत सरकार ने जो पहले 21 दिन का लॉकडाउन किया था, लेकिन कल जो है 3 मई तक, यानी कह सकते हैं 19 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट सज्जन कुमार जी है। जी सज्जन कुमार जी, आपका द ग्राउंड नेटवर्क में स्वागत है। धन्यवाद सज्जन कुमार जी, क्या क्या लोगों को दिशा और निर्देश दे रहे हो आप? ऐसा है, दिशा निर्देश तो अपनी तरफ से तो कोई नहीं है, जो सरकार ने दिए हैं वही लागू है सारे के सारे। और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से दिशा निर्देश किया जा रहा है, और यहाँ 100% लॉकडाउन है, और जो भी इसेंशियल सेवाएं हैं उनको रोका नहीं जा रहा है, और जो भी इमरजेंसी केस है उनको भी जाने देते हैं। क्या क्या सावधानियाँ और लोगों के लिए आपके द्वारा प्रोवाइड की गई? सावधानियाँ तो हम केवल उनको बता सकते हैं, भाई आप लोग है ना बगैर मास्क के नहीं आओ, और आप एक उचित दूरी बना के रखो कम से कम 3 फीट की। उसके अलावा हमारे पास सामग्री तो उपलब्ध नहीं होती यहाँ, लेकिन हमारी तो जानकारी हम देते हैं। उसके अलावा जो भी ऐसे जो फालतू घूमते हैं उनको वापस जैसे हम भेज देते हैं। गाँव वासियों के सहयोग की बात करें तो कितना सहयोग आपको मिल पा रहा है? गाँव का पूरा सहयोग है हमारे साथ, जो भी उनको वो दे सकते हैं उनको पूरा सहयोग उन्होंने दिया हुआ है। धन्यवाद। और आप ये देख सकते हो यहाँ पर डॉक्टर भी हमारे साथ हैं और एग्रीकल्चर विभाग की भी यहाँ पर टीम हमारे साथ है, आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी सर, आपका नाम? देखिए, मुकेश कुमार नाम है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बेसिकली जो सारे नाके हैं उनके ऊपर हमारे डिप्टी डायरेक्टर के और जो गवर्नमेंट के आदेश हैं कि जितने भी कंबाइन वगैरह है, हार्वेस्टिंग मशीन है, रिपर है, उनको हमें सैनिटाइज करवाना होता है। और हम प्रॉपरली उस चैनल से पूरे ज़िले के अंदर हमारी टीम है, जो हमारे एम्प्लॉय दर्शक लगे हुए हैं, उनको प्रॉपर तरीके से पूरी कंबाइनों को रिपर को सैनिटाइज करें और भी अच्छे तरीके से चलती है। और इसके अंदर जो कंबाइन के जो बेसिकली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को नए सबसे पहले जो गाइडलाइन आई थी सरकार की तरफ से, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमारी जो गाँव में जैसे ATM ATM होती है, सबके माध्यम से हमने सूचित किया था कि भी जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें कंबाइन वगैरह का यूज़ करो, बेसिकली मतलब लेबर कम मिल रही है, और उनको भी सैनिटाइज करवाने के बाद जैसे कि अपने बाड़ो छोटा मोटा बेसिकली हाथ से काम करना हो उसको सैनिटाइज करके पूरी प्रक्रिया के जरिए नुकसान काम करे। डिपार्टमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से एक प्रश्न आपसे, आप किसान परिवार के हो तो आपको कहीं लगता है जिस तरीके से किसानों को कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? देखिए, किसानों को बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आ रही, किसानों को इसलिए दिक्कत नहीं